हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की एक वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम इसमें आपके लिए सभी कॉन्सेप्ट के जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपये है, दुकानदार उसे 736 रुपये में बेचता है, तो छूट कितने परसेंट होगी। तो देखिए, कोई आपकी 800 रुपये की वस्तु है और दुकानदार उसे बेच रहा है 736 रुपये में, यानी कि कितने रुपए कम में बेच रहा है। इसके लिए हमें इसे माइनस करना होगा। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाता है। अब निकालना है इसका हमें परसेंट। तो देखिए, 64 कितने के ऊपर है, तो 64 है वो हमारा है 800 हमें दिया हुआ है, इनटू में मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं। तो देखिए, इसे काटो के आप इजीली कट जाएगा, कितने टाइम्स, ये 8 से 100 टाइम्स कट जाएगा। इस एक बार इसे 0 से 0 से काट लीजिए और 8 और 8 आपका 64, यानी कि आपका जो 8% है वो इसका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + y³ आपको 35 दिया हुआ है, x + y = 5 है, तो फाइंड आउट 1/x + 1/y। देखिए, इस तरह के हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे, बट ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे है, तो इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यदि आप इसे बेसिक से करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम आपका लग जाएगा। आपको इसे कैसे सोचना है कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो आपको रखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 5 के क्या क्या पेयर बन सकते हैं। देखिए, 1, 4, 2, 3, तो ये आपके पेयर बन सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई सी कुछ भी हो सकती है। तो देखिए, ये दोनों पेयर बने और मैंने यहाँ पर इस पर मान रखा, तो इसका मान रखा 1 आया, 4 का कितना बनेगा आपका 64, तो ये 65 ज़्यादा बन जाता है। इसको चेक करें, ये कितना है 8 और उसका है 27, यानी कि इसका मान है वो 35 आ जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमें फर्स्ट ही मिलेगा, 2.3, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से दिया हुआ है, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। तो इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी होगी। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको सिंपल मेथड से कराएंगे, आपको ऐसा मेथड कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी भिन्न है उनको ऊपर ऐसे के ऐसे ही लिख लेना है, 2, 1, 5, 3, ऐसे कैसे लिख लिया, और नीचे उनका डिफरेंस लिख देना है। तो इसका डिफरेंस देखिए 5, यानी इन दोनों में डिफरेंस 2 लिख दिया, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस 1 लिख दिया, इन दोनों में डिफरेंस। अब ये आपके पास भिन्न बन गई है। अब आप इसमें इजीली बता सकते हैं कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। और गाइस, सबसे इजी तरीका है, इससे सरल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका 5/1 है जो, यानी कि हमें मिला था 5/6, वो आपका सबसे बड़ी भिन्न थी। ओके, सबसे छोटी भिन्न पूछता तो आपकी 2/5 आंसर आ जाता। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक स्पीड से 3/4 स्पीड से चलता है और 10 मिनट देरी से पहुँचता है, तो वास्तविक स्पीड क्या होगी। यानी एक व्यक्ति है, वो अपनी स्पीड है जो उसकी 3/4 स्पीड से चलता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है किसी स्थान पर, तो वास्तविक स्पीड पूछ रहा है। देखिए, ये है आपका 3/4, भाई
उसकी जो वास्तविक स्पीड है हमने वो मान ली, ये आपकी वास्तविक है और ये उसकी स्पीड जो चल रहा है जिससे वो है भाई, वो लेट क्यों हो रहा है इस चीज को समझिए। वो लेट क्यों हुआ, उसका लेट होने का रीजन ये है कि उसने अपना जो एक यूनिट है ना, एक यूनिट लेट हुआ वो, यानी कि 4 की जगह वो 3 की स्पीड से चला जब वो एक यूनिट लेट हुआ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग एक यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 10 आ जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वास्तविक स्पीड क्या होगी, तो भाई देखिए लेट पहुंच रहा है तो वास्तविक स्पीड तो आपकी 4 होगी, तो इसका आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, 40। तो उसकी वास्तविक स्पीड है वो 40 आ गई है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। 3/4 दिया हुआ था, एक यूनिट का डिफरेंस है, एक यूनिट की वजह से वो लेट हो रहा है, एक यूनिट 10 के बराबर है, 4 की वैल्यू पूछिए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 और 0.2 का मध्यानुपाती हमें निकालना है। तो देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, ये आपको कोई वैल्यू दे दी 0.8 रेशो एक्स रेशो प्रोपोर्शनल रेशो एक्स 0.2। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं और जो थर्ड होता है उसको टू को थर्ड से करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.016। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 0.4। तो गाइज ये है इसका आंसर 0.4। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एयरफोर्स नेवी MR सभी के एग्ज़ाम में इस तरह के एक एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और आप कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 1° इंटू cos 2° cos 3° अप टू cos 189°। तो ये सीरीज हमें दी हुई है और सीधी चल रही है सीरीज, तो इसका हमें मान बताना है। तो बिल्कुल इजी सा है, NDA में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी में भी आ सकता है, और आपके जो अर्थमेटिक मैथ है उसमें भी ये एडवांस में बन जाता है, एडवांस में से। तो देखिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि इस सीरीज के बीच में कहीं ना कहीं तो cos 90° 100% आएगा। cos 90° जैसे ही आएगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और पूरा जो यह है पूरे का आंसर 0 बन जाता है, 0 इसका फाइनली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक गांव में 30% लोग हैं वो एजुकेटेड है और कुल जनसंख्या है गांव की वो है 6,600, तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो देखिए 30% लोग कैसे हैं एजुकेटेड, तो बचे कितने 70%, 70% कितने कैसे हो जाएंगे अनएजुकेटेड, तो हमें अनएजुकेटेड की बतानी है। तो टोटल देखिए टोटल कितना है, ये 100 कितने के इज इक्वल टू है 6,600, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 66। तो हमें बात बतानी है किसकी, 70% की। तो देखिए 70 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 66 से, तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 670 से, क्योंकि ये तो एक यूनिट की वैल्यू आई है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,260, ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, आम सेब और संतरों का अनुपात 2:3:5 में दिया हुआ है और जो कुल फल है वो कितने हैं 2,000, तो हमें आमों की संख्या बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको टोटल इनको जोड़ देना है, जैसे आप इनको जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू है वो 10 आएगी, 10 को किसके इज इक्वल टू में रख दो, 2,000 के इज इक्वल टू में रख दो, बन गई बात। एक कितने के बराबर है, 200 के बराबर, किसकी वैल्यू पूछी है, आम की। तो देखिए आम की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, आम की वैल्यू 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर 400 आ जाएगा। यदि हमसे संतरे पूछे हुए सेब पूछे हुए होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाता,
600, यदि हमसे संतरे पूछे होते तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 5 से, कितने वैल्यू आ जाती, ये आ जाती आपके पास 1000। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक रीजनिंग से डाल दिया है, रीजनिंग की वैसे अलग से वीडियो बनाएंगे, बट हमने इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोहन कक्षा में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। स्टूडेंट की एक क्लास है उसमें है, जो सोहन है वो ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब मोहन ऊपर से काउंटिंग की जाएगी, एक बार नीचे से काउंटिंग की जाएगी, तो मोहन को दो बार उसमें दो बार ऐड किया जाएगा। उस दो बार ऐड करने के लिए हमें इसमें से -1 करना होगा। तो जैसे ही आप -1 करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, ये 18 और 17, 35 -1, इसका मान है वो 34 आ जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 चेयर्स की जो लागत मूल्य है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमसे पूछा है उसमें कि लॉस कितने परसेंट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कोस्ट गार्ड में भी आया था और आपके एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्जाम में भी आया था। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, एक बार सेलिंग प्राइस लिखो नीचे, कितनी वस्तु थी टोटल 30, लागत मूल्य कितने का हुआ 25 का, इनटू 100। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। दोबारा से समझिए, नीचे सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो आपकी हानि या लाभ निकाली जाती है, एक बात को गांठ बांध के रख लो, यदि आपकी लाभ और हानि जो निकाली जाती है वो हमेशा आपकी सीपी पर निकाली जाती है, यानी सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस को मैंने नीचे रखा, उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना मान आया मेरे पास, 5 × 100/13। इसको एक बार काट दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर है वो आ जाएगा। इस तरह के गाइस क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज यार लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आपको, कि उसमें पूछा है आपसे कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वृक्ष को 50 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड बताइए। तो इसमें तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो आपका स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इज इक्वल टू होता है। बट ये डिस्टेंस से ये आपको कई बार कंफ्यूजन कर देगा। इसमें क्या होगा कि कई बार आपको रेलगाड़ी की लंबाई है वो दी हुई है और कहा जाएगा आपसे कि एक पुल को पार करती है, एक सुरंग को पार करती है, एक ट्रेन को पार करती है, तो तब प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस है वो ली जाएगी यहाँ पर, यानी टोटल डिस्टेंस सुरंग की आपको दी हुई है तो वो आपकी है जो ऐड हो जाएगी। बट इसमें कहा है वृक्ष, यदि आपको देखिए, यदि आपको कोई ट्री दिया हुआ है या कोई मैन दिया हुआ है, ऐसी चीज दी हुई है तो उनकी लंबाई ऐड नहीं होती है। तो इसमें तो हमें इजीली 250/50 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, बट उसने हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो इसमें क्या होगा कि 5 × 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाता है। तो आपके लिए एक जीएस का क्वेश्चन, उसका आपको आंसर देना होगा। दूध का खट्टापन, जो आपका दूध होता है, दूध उसका खट्टापन
किस अम्ल के कारण होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। तो मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।